दारुल क़ज़ा को क्या कुछ अहम फैसले लिए? याद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दारुल क़ज़ा कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम लखनऊ में पूरी हुई। आज उसका तीसरा दिन था जिसमें कि कई अहम करारदादें पास की गईं कि किस तरीके से इस सिस्टम को और ज़्यादा फैलाया जाए, और उसमें आइम्मा इकराम मस्जिद के इमामों से अपील की गई कि जुमे के खुतबों में खुसूसन और बातों के साथ साथ दारुल क़ज़ा की अहमियत पर ज़रूर रोशनी डालें, जिससे कि आवाम अपने फैमिली मैटर्स को इन्हीं इदारों में, इन्हीं इंस्टीट्यूशन में हल करा लें। और उसी के साथ साथ एक अहम करारदाद ये भी पास की गई कि जिन मदारिस में तदरीब इफ्ता, तदरीब क़ज़ा यानी दारुल क़ज़ा को के मुतालिक कोर्सेज कराए जाते हैं, वहाँ पर दीनी उलूम के साथ साथ उसमें जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है और ख़ासकर वो आर्टिकल जिनका के ताल्लुक मुस्लिम पर्सनल लॉ से है, उनको भी शामिल कराया जाए। जिसमें कुछ तादाद भी बढ़ाने की बात हुई थी, यानी कई लोगों ने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में दारुल क़ज़ा कायम करने की दरख्वास्तें दी हैं और इस सिलसिले में इंशाल्लाह तेज़ी से पेश